गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुके बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने साइक्लोन मिचौंग का सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु, ओडिशा, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में देखने को मिल रहा है। भारी बारिश और बाढ़ के कारण हाल बेहाल है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। जगह जगह पानी भर गया है और 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवाएं चल रही हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में बारिश की वजह से अब तक 17 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो वहीं दक्षिण भारत में अपने पीछे तबाही के निशान छोड़ने वाले इस भीषण चक्रवात का असर अब यूपी और बिहार समेत उत्तर भारत के हिस्सों में भी दिखने लगा है। बात करें पहले यूपी की, तो यहां वाराणसी और आसपास के जनपदों में बीते 3 दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ लोगों को भगवान भास्कर के दर्शन नहीं हुए, वहीं जनपद में रुक रुक कर हो रही बारिश ने बढ़ते ठंड और गलन का भी एहसास कराया है। वहीं देर रात से ही वाराणसी में बारिश जारी है और हवा चलने के साथ साथ तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। वहीं अभी अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहने की भी संभावना है। दूसरी तरफ बिहार में मिचौंग चक्रवात के प्रभाव की वजह से 2 दिन से घिरे बादलों ने आज बारिश भी कर दी। बीती रात से ही राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की और मध्यम स्तर की वर्षा हो रही है। वहीं इसकी वजह से तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। आगामी 48 घंटों बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के साथ ठंड में बढ़ोतरी की संभावना है। आपको बता दें कि तबाही मचा रहे इस साइक्लोन को दिए गए मिचौंग नाम का मतलब ताकत और लचीलापन होता है। ये एक म्यामी शब्द है। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मिचौंग नाम म्यांमार द्वारा दिया गया है और म्यामी भाषा में इसे मिगजोम कहा जाता है, जिसका मतलब ताकत और लचीलापन होता है। मिचौंग साइक्लोन जिस तरह से 3 राज्यों में कहर बरपा रहा है, इसको देखते हुए इसे मिचौंग नाम दिया गया। इस साल हिंद महासागर में उठने वाला मिचौंग 6ठा और बंगाल की खाड़ी में उठने वाला 4था चक्रवात है। IMD ने 3 दिसंबर को दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की भविष्यवाणी की थी। इसके अगले दिन तूफान के तमिलनाडु तट पर पहुंचने की भविष्यवाणी की गई थी और चक्रवात ने तमिलनाडु तट को प्रभावित किया। इसके फलस्वरूप भारी बारिश भी हुई, इससे चेन्नई के कई इलाके पानी में डूब गए। गौरतलब है कि चक्रवात तूफान मिचौंग बीते मंगलवार को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर टकराया। आंध्र प्रदेश में तूफान के लैंडफॉल के बाद जमकर बारिश भी हुई। दक्षिण भारत में तूफान ने जमकर तबाही मचाई। तमिलनाडु में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। IMD ने बताया कि अब तूफान मिचौंग कमजोर होकर डिप्रेशन में बदल गया है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तूफान की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है। ऐसे में अब जाते जाते इस चक्रवात के आफ्टर इफेक्ट्स के तौर पर आने वाले दिनों में उत्तर भारत में भी पारा तेजी से लुढ़क सकता है। तो फिलहाल के लिए चक्रवात तूफान मिचौंग से जुड़ी हुई इस अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।